और गुजरात में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अब इलाज के लिए किसी को पैसे का मुंह नहीं देखना होगा। गुजरात सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए हादसों में जख्मी लोगों को 50,000 तक का मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया है। और कैसे लागू होगी ये योजना, अहमदाबाद से बता रहे हैं मेरे सहयोगी केतन जोशी। सड़क हादसों का शिकार होने वालों में काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके इलाज न होने से मौत हो जाती है। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि गुजरात में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में जख्मी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। इलाज सरकारी या निजी अस्पताल कहीं भी हो सकेगा। सरकार ने ऐलान किया है कि 50,000 तक का इलाज मुफ्त होगा। एनी विक्टिम हु कम्स अक्रॉस एनी रोड साइड एक्सीडेंट विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल and if the hospital gives them treatment, primary treatment, and gives them for to as per the case and merit for 24 to 48 hours, government will give them the treatment cost up to maximum up to 50,000, and the victim has not to bear any expense from his pocket. इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं। दुर्घटना की FIR या सिर्फ प्राइमरी रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। एक्सीडेंट की तस्वीरों को भी आधार माना जा सकेगा। 108 या दूसरी एम्बुलेंस से मरीज अस्पताल तक पहुंचा तो भी उसे आधार माना जाएगा। मरीज के घाव को देखते हुए परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा। सरकार 50,000 तक के ट्रीटमेंट के लिए खर्च देगी, इससे ऊपर होने पर खुद वहन करना होगा। BPL परिवार को सरकार 6 लाख तक देगी। सरकार ने पहले चरण के लिए 30 करोड़ से अधिक की रकम आवंटित की है। आगे जरूरत पड़ने पर रकम बढ़ाई जाएगी। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, पर इसके हेल्प नहीं मिलने के कारण ज़्यादा लोग मरते हैं और एक्सीडेंट हो जाती है। गुजरात में सड़क दुर्घटना की दर काफ़ी ज़्यादा है। गुजरात में हर साल 30,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें घायलों की संख्या कम से कम 1 लाख के आसपास होती है और मरने वालों की संख्या 6,486 के आसपास। सरकार का मानना है कि अगर समय पर अस्पताल में उनको इलाज मिल जाए तो 50% मरीज बच सकते हैं। गुजरात सरकार की पहल काबिले तारीफ है। सफल होने पर देश के दूसरे राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि गुजरात से पहले कर्नाटक ने इस तरह की योजना शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के अभाव से पूरे देश में हजारों लोगों की जान पूरे साल में चली जाती है, लेकिन कम से कम गुजरात में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार की इस योजना से सड़क दुर्घटना में जो लोग हताहत हो गए हैं उनको भी फायदा होगा और आगे जाकर दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। केतन जोशी, Zee Media, गांधीनगर।